इवनिंग टू एवरीवन। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न होता है और अक्सर हम इस लोक में या पृथ्वी लोक में देखते हैं, जो भगवान के बिलीवर्स होते हैं, ठीक है, वो सफ़र करते हैं, मतलब उनको समस्याएं ज़्यादा आती हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, और जो नॉन बिलीवर डाकू गुंडे टाइप के हैं, ऐसे लुच्चे लफाड़े, वो मौज कर रहे हैं संसार में, ठीक है, ये सत्य है और इसमें कोई दो राय है नहीं। इसके लिए सुनो, मैं तुम्हें कहानी कहता हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था, याद नहीं था इस बारे में, लेकिन मुझे इस बारे में मैंने एक दिन, अभी कल ही मैं देख रहा था तो एकदम से मेरी नज़र पड़ गई। देखो, एक परमेश्वर का एक कहानी सुनो, कहानी नहीं मतलब ये हकीकत है। एक परमेश्वर का एक भक्त था, उसका नाम था जॉब। वैसे इसे जॉब कहते हैं, JOB। वैसे तो जॉब मतलब नौकरी होता है, उसका जॉब, ये एक्चुअली में बाइबल की एक चैप्टर है जॉब। अगर तुमने मिशन इम्पॉसिबल टू देखी होगी तो उसमें Job 3:14 करके वो बताता है कुछ, टॉम क्रूज उसमें कुछ होता है, मुझे अपने पिक्चर का याद नहीं, मैंने देखी थी। खैर, जॉब जो था वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, और तो परमेश्वर ने उसके ऊपर विशेष कृपा कर रखी थी। और भगवान में क्या होता है कि अगर जैसे आप परमेश्वर के कोई भक्त होते हैं या कोई खास आदमी होते हैं, तो वो परमेश्वर के आर्मर से हमेशा सेफ रहते हैं, ठीक है, उनको परमेश्वर हमेशा अपनी कवरिंग में रखता है। जैसे मान लीजिए भगवान का कोई आदमी नीचे उतरता है, तो भगवान उसका हमेशा उसका आर्मर रहता है, या उसका मतलब जो फेथ रखते हैं उनके हमेशा भगवान प्रोटेक्शन करते हैं। तो जो शैतान होता है उनसे परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, उनकी चीज़ों की, उनके परिवार की भी रक्षा करते हैं, ये नियम है, ठीक है। क्योंकि जब भगवान में आस्था रखते हैं तो उनकी फिर प्रोटेक्शन भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे मान लो तुम हो, तुम किसी को प्रेम करते हो, उसकी जिम्मेदारी रखते हो, तो उससे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है, तुम देखते हो उसको क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान जॉब को देखा करते थे। अब हुआ क्या कि सैटन जो शैतान था वो भगवान के पास गया एक दिन पृथ्वी घूम घाम करके, तो भगवान ने पूछा क्या चल रहा है पृथ्वी पे, तो उसने बताया। तो भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है जॉब, जरा उसका क्या हाल है। तो सैटन ने कहा देखिए, आपने तो उसकी सभी भेड़ बकरियों ऊँटों और परिवार को सबको रक्षा कर रखी है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, मैं थोड़ा रिलीज़ कर देता हूँ अपनी, तुम जाओ करके देखो कि वो मेरा, मैं चाहता हूँ, भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं उस देखो, वो मेरा इतना बड़ा भक्त है, देखो वो क्या करता है। सैटन ने कहा चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, वो अगर उसको हम मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है, आपकी भक्ति और श्रद्धा से डिगा दूंगा आपकी उसकी आस्था। भगवान ने कहा ठीक है चलो, मैं अपनी पावर खींच लेता हूँ, जाओ जो करो जो करना है। तो वो गया, भगवान ने अपनी पावर खींच ली, तो उसने उनके भगवान उसने सैटन ने शैतान ने सब उसके भैंस बकरी गाय धीरे धीरे मार दिए, परिवार वाले मार दिए, लेकिन जॉब की श्रद्धा नहीं हिली, ठीक है। भगवान ने इस चीज़ के लिए मना किया था, कहा था जॉब को कुछ मत करना, ठीक है, बाकी तुम चाहे जो करो। तो फिर से वो वापस गया, वो श्रद्धा डिगा नहीं पाया, जॉब की श्रद्धा दस की दस रही, सब मर गए, परिवार वाले भी मर गए, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के पास गए, भाई बहन उसके मर गए, गाय भैंस मर गई, व्यापार ख़त्म हो गया फलाना डिमाका, लेकिन जॉब की श्रद्धा नहीं हटी, ठीक है। वो वापस गया सैटर्न भगवान के पास, कहता है यार भगवान ने कहा क्या हुआ है पृथ्वी के, कहते हैं सब कुछ मैंने किया लेकिन जॉब तो हिला नहीं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर से अपनी कृपा हटा ले तो मैं उसके ऊपर हमला कर दूं, तो वो हो सकता है आपकी श्रद्धा डटक जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम ये भी ट्राई कर लो। भगवान ने अपनी श्रद्धा खींच ली, मतलब शक्ति खींच ली, और जॉब के ऊपर, जॉब को बहुत भयंकर बीमारी हो गई, वो चिल्लाने लगा, कराने लगा, ठीक है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं हिली। उसके बाद एक बहुत लंबा कन्वर्सेशन है उसमें भगवान और जॉब के बीच में, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, ठीक है। तो ये कहानी आपको एग्जांपल है ये कि परमेश्वर आपका टेस्ट लेता है ज़्यादा, ठीक है, यू हैव टू गिव मोर टेस्ट इफ़ यू हैव फेथ, ठीक है, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू यू नो टू दैट यू शुड कम टू हिम, भगवान ये चाहता है कि तुम उसके पास आओ, तो उसका ये बुलाने का तरीका है। तुम इसको उल्टी तरफ से लेते हो, तुम जहाँ थोड़ा सा भगवान तुम्हारा टेस्ट लेता है तुम कहते हो मेरी श्रद्धा कम हो रही है, मैं डगमगाने लगा हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा उल्टी तरफ से करके सोचो, क्योंकि तुम यहाँ पर तो सब कुछ ऐसे ही है ना, टेम्प्रेरी टाइप का, समझे। मेरे ख्याल से इस कहानी से तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू।